अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो हम स्टोरी डिस्कस करने जा रहे हैं वो है द ड्रीम हेटी, जो कि कैमो ब्रैथवेट ने लिखी है। राइटर को डिस्कस कर लेते, जो ब्रैथवेट है बेसिकली 11 मई 1930 में पैदा हुए थे और 4 फरवरी 2020 में इनकी डेथ हो गई है। इनकी डेथ इसी ईयर हुई है 2020 में। बहरहाल आगे डिस्कस करते हैं। ये एक बारबेडियन पोइट है। बारबेडियन पोइट से क्या मुराद है? बारबेडियन पोइट से मुराद ये कि बारबाडोस के रहने वाले। बारबाडोस एक कंट्री है कैरिबियन के अंदर, और कैरिबियन जो है वो वंस कॉलोनाइज्ड कंट्री है, यानी कि एक दफ़ा इसके ऊपर कॉलोनियलिज्म हो चुकी हुई है। अंग्रेज़ों ने आकर इसके ऊपर अपनी हुकूमत कर ली हुई है, और उसके बाद फिर ये कंट्री फ्री हो चुकी थी जब टाइम पीरियड चल रहा था पोस्ट कॉलोनियल का। तो उस टाइम पे कैरिबियन भी कंट्री जो है वो अंग्रेज़ों की हुकूमत से फ्री हो गई थी, ठीक है। तो ये बेसिकली बारबेडियन पोइट हैं और एकेडमिक भी हैं, ठीक है। और ये जो है ना, इनका वर्क जो है और इनका काम जो है वो मेजर वॉइसेस हैं कैरिबियन लिटरेरी कैनन के अंदर ना। 2006 के अंदर इनको इंटरनेशनल विनर ऑफ ग्रिफिन पोइट्री प्राइज़ मिला था, और जिस बेस पे मिला था ना वो इनका पोइट्री का वॉल्यूम था जिसका नाम है बॉर्न टू स्लो हॉर्सेस, ठीक है। मैंने यहाँ पर इनका नेम मैंशन किया हुआ है वर्क का। अगर हम इनकी स्पेशलिटी देखें कि मतलब इन्होंने किसके ऊपर ज़्यादा काम किया है, तो इन्होंने ब्लैक कल्चरल लाइफ के ऊपर काम ज़्यादा किया है, बेशक वो अफ्रीकन लाइफ हो, ठीक है, या फिर अफ्रीकन डायस्पोरास की लाइफ हो। डायस्पोरा किसे कहते हैं? डायस्पोरा वो सिचुएशन होती है जिसके अंदर एक बंदा है, मिसाल के तौर पर आप हैं, आप पाकिस्तान रह रहे हैं, पाकिस्तान को छोड़ के आप अमेरिका चले गए, जब अमेरिका गए वहाँ पर भी आप सेटल नहीं हुए, तो आप इन बिटवीन की सिचुएशन में है। लेकिन जब वहाँ पे जाके आप सेटल हो गए हैं, लेकिन वहाँ पे सेटल होने के बाद आप बार बार अपने पाकिस्तान को मिस कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे आप सही से सेटल नहीं हुए, मतलब वहाँ रह रहे हैं आप, काफ़ी टाइम भी गुजर गया आपको, आप स्टिल पास्ट में रहते हो, स्टिल पाकिस्तान को बहुत मिस करते हो, इसका मतलब क्या है? आप डायस्पोरे को, ठीक है। तो वो डायस्पोरा वर्ल्ड के अंदर जो भी अफ्रीकन आइडेंटिटीज़ हैं उनको भी डिस्कस करता है ये हमारा राइटर ब्रैथवेट। ये न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के अंदर कंपैरेटिव लिटरेचर के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अब राइटर के वर्क को, ठीक है, जो कि हमारा है द ड्रीम हेटी। इसको हमने डिस्कस करना है। डिस्कस करने से पहले हम लोग जो है करेक्टर लिस्ट देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो करेक्टर का जिक्र रहेगा, एक है कोस्ट गार्ड और दूसरा है मैडम मार्गरेट इजिनिया। अगर हम कोस्ट गार्ड की बात करें तो बेसिकली ये कोस्ट गार्ड ऐसा बंदा है जो कि अपने रेजिडेंट हैटियन से ना, मतलब हैटी का रहने वाला है, और हैटी से वो माइग्रेट करके यूएसए में आया है बेटर फ्यूचर के लिए, और वहाँ पे वो एज़ अ कोस्ट गार्ड काम करता है। अगला कैरेक्टर जो मैंने बात की वो है मैडम मार्गरेट इजिनिया की। ये जो है ना इसी कोस्ट गार्ड के ना ड्रीम के अंदर आती हैं, और वो जो ड्रीम के अंदर आती है ना वो ऐसी हस्ती थी जो कि पॉलिटिकल डिसीजन जो थी ना उसके एक फिल्म एटीट्यूड की तरफ लेके आ सकती थी, और ये बेसिकली एक लाइट थी एंड ऑफ द टनल के लिए। एंड ऑफ द टनल से मुराद यहाँ पे है एक्स स्लेव नेशन जो है ना उनके लिए प्रोस्पेरिटी का साइन थी, ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे दोनों करेक्टर जो थे उसको डिस्कस कर लिया हमने। अब हम समरी को डिस्कस करते हैं। ये जो बेसिकली स्टोरी है ना बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ये बड़ी खूबसूरत स्टोरी है जो हमें ना प्रेजेंट टाइम के बारे में जो सिचुएशन चल रही है ना उसके बारे में बताती है। ये ना एक कोस्ट गार्ड की स्टोरी है जो कि हेटी का रहने वाला था, और फॉर द बेटरमेंट ऑफ द लाइफ, फॉर द बेटर फ्यूचर, वो ना हेटी को छोड़ के अमेरिका में आकर आबाद हो जाता है। अब वो जब अमेरिका में आकर आबाद हो गया है ना, तो इसको ड्यूटी दी जाती है, वो ये होती है कि जो कोस्ट है ना, यानी कि जो साहिल है, वहाँ पर इसकी ज़िम्मेदारी लगाई गई है, और इसने यह करना है, इसने वहाँ पे ख्याल ये रखना है कि कोई भी गैर मुल्की और गैर कानूनी शख्स जो है ना वो हेटी का साहिल को पार करके अमेरिका के हदों में दाखिल ना हो जाए। सो हिज ड्यूटी इज़ टू स्टॉप द पीपल एंटरिंग इनटू अमेरिकन टेरिटरी हु आर नॉट रेजिडेंट्स ऑफ यूएसए। लेकिन वो हेटी में पैदा हुए थे और दूसरे स्लेव नेशन में पैदा हुए थे जो कि इम्पीरियलिज्म के अंडर क्रूरल कंट्रोल में था, ठीक है। क्रूरल कंट्रोल से मुराद क्या है? क्रूरल कंट्रोल से क्या मुराद है? एम्पीरियलिज्म से क्या मुराद है? हेटी जो है ना, हेटी और ये कैरिबियन बेसिकली ऐसी कंट्री रही है, ऐसी टेरिटरी रही है जहाँ पे अंग्रेज़ों ने आकर अपनी
कॉलोनियलिज्म को कायम कर लिया था, अपनी सुपर पावर कायम करके उनको टोटल कंट्रोल कर लिया, उनको स्लेव बना लिया, उनसे उनके ऊपर जुल्म करते थे, उनसे इतने कराम करवाते थे, इवन के उनके नज़दीक तो जो ब्लैक्स थे वो तो ह्यूमन बीइंग्स ही नहीं थे। इनका मानना ये था कि ओनली वाइट आर सुपीरियर और एक्सेप्ट वाइट ऑल आर इन्फीरियर, ऑल आर अदर्स, ऑल आर मार्जिनलाइज्ड। ठीक है, अदर्स से क्या मुराद है? ये अदर्स कहते हैं ब्लैक्स को, कहते हैं ऑल आर ब्लैक एंड अफ्रीका इज़ द हार्ट ऑफ ब्लैक। ठीक है, तो इन्होंने इतना ब्रूटल ट्रीटमेंट किया हर ब्लैक के साथ वाइट ने। और ऐसे ही इस स्टोरी में भी यही दिखाया गया है कि यूएसए वालों ने, वाइट वालों ने ब्लैक्स की एंट्री पे पाबंदी लगा दी थी। अब जो कि हैटी था वो एक बैकवर्ड एरिया में आ रहा था, अब जो उसके रहने वाला था ना, जो हैटी के रहने वाले थे और जो दूसरे गरीब लोग थे ना इन्स्लेव नेशंस के, ठीक है, जिनको वंस कॉलोनाइज्ड नेशन कहते हैं कि जिनके ऊपर एक दफ़ा हुकूमत की अंग्रेज़ों ने, वो जो लोग थे ना यहाँ के रहने वाले, वो चाहते थे अमेरिकन ड्रीम को फॉलो करना। अमेरिकन ड्रीम क्या है कि जो अमेरिका है वहाँ पे हर एक के लिए हर एक फैसिलिटी अवेलेबल है, आप यहाँ पे आएँ, काम करें और कमाएँ, आपको कामयाबी होगी, यही है ना अमेरिकन ड्रीम। तो वो अपने अमेरिकन ड्रीम को पूरा करना चाहते थे और इसलिए जो है ना, वो जितने भी पुअर पीपल थे जो स्लेव नेशंस के रह चुके थे पूरी दुनिया में, वो चाहते थे कि अमेरिका आएँ और वहाँ पे आके बेहतर काम करें, अपना बेहतर सर्कमस्टांसेस बनाएं और बेहतर फ्यूचर क्रिएट करें अपने लिए। जो नरेटर है ना वो खुद भी एक हैटियन है, ठीक है। अब क्योंकि उसका ओरिजिन हैटियन है और वो भी बायपोर्ट पॉइंट जो है वो हैटियन ही है, तो वो खुद भी इन गरीब लोगों की मदद करना चाहता था लेकिन वो कर नहीं पाता था क्योंकि उसका भी ही जो बैकग्राउंड है वो हैटी से बिलोंग करता है। ठीक हो गया ना, तो इसलिए जो स्ट्रिक्ट लॉस थे ना इमिग्रेशन के अमेरिकन अथॉरिटी ने जो बनाए हुए थे उस बेस पे, वो भी अपनी वो वंस स्लेव नेशंस जो है ना, एक्स स्लेव नेशंस, उनकी मदद नहीं कर पाया। और उसकी ख्वाहिश थी कि जो लोग थे ना इसके अपने नेशन के, उनको अमेरिका में आने की इजाज़त दे दी जाए और उनको ज़िंदगी के लिए ना, ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत बेहतरीन फैसिलिटीज़ दी जाए। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस था बिटवीन हिज ड्रीम एंड रियलिटी, क्योंकि जाहिर सी बात है जो ये सोचता था, जो इसका ख्वाब था, वो तो पूरा नहीं हो पाया। तो क्या हुआ, रियलिटी कुछ और थी, रियलिटी इसके बरअक्स थी, और ड्रीम क्या था, इसके बरअक्स था। ड्रीम था कि जो हैटी के रहने वाले लोग हैं वो यहाँ पे आके आबाद हो जाए, लेकिन रियलिटी में क्या था, अमेरिका वालों ने, यूएसए वालों ने बाउंड्रीज़ क्रिएट कर दी थी, अथॉरिटीज़ को क्रिएट कर दी थी कि ये अंदर आ ही नहीं सकते, ऐसे के लॉ बना दिए थे। और नरेटर की जो प्रेफरेंस है ना वो इस चीज़ पे थी कि जो लोग हैं ना उसको पोइट कहें, उसको एक कोस्ट गार्ड ना कहें। कहता है आई वॉज सपोज टू बी अ पोइट नॉट अ कोस्ट गार्ड। कहता है कोस्ट गार्ड जो होते हैं ना वो ऐसे के होते हैं जो कि एक सेफ गार्ड होते हैं, अपनी लोगों के लिए मदद करते हैं, कि ऐसे लोग जो डूब रहे होते हैं उनको बचाते हैं, जो खतरे में होते हैं उनको खतरे से बाहर निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे कहता है यहाँ पे तो मेरी ड्यूटी नेगेटिव टाइप की थी। ठीक है, जो ये नरेटर है वो इमेजिन करता है कि उसके ना सर के ऊपर एक काइट मंडला रही है, एक काइट उड़ रही है। फिर बाद में वो एक ना मतलब ख्वाब देखता है मैडम मार्गरेट ओजीनिया का, हु वॉज एबल टू कम टू अ फर्म पॉलिटिकल डिसीजन अबाउट लाइट एट द एंड ऑफ द टनल एट्सेट्रा। इस बात का मतलब क्या है कि वो जो बंदी है जिसका इसने ख्वाब देखा, जिसके बारे में सोचा, कहती है वो जितने भी हमारे यहाँ पे एक्स स्लेव नेशन रही है ना, उनके लिए क्या है, एक होप है, उनके लिए एक लाइट है, एक साइन ऑफ प्रोस्पेरिटी है। और उन एक्स स्लेव नेशन के अंदर हैटियंस भी आते हैं। अब जो पुअर हैटियन होता है ना, ये जो कोस्ट गार्ड है, ये ख्वाब देखता है, अपने ख्वाब में देखता है कि जो डोर्स है ना, दरवाजे हैं, शुड नॉट शट अगेंस्ट द पुअर, जो पुअर एक्स स्लेव नेशंस है ना उनके अगेंस्ट बंद नहीं किए जाने चाहिए। एक्स स्लेव नेशन से क्या मुराद है, ऐसी नेशन जो कि पास्ट में इंपीरियलिज्म का शिकार रह चुकी हो। इंपीरियलिज्म मैंने आपको बताया टोटल कंट्रोल, किसका कंट्रोल, कॉलोनाइजर्स का। कॉलोनाइजर्स कौन होते हैं, जिन्होंने आके हुकूमत की, कॉलोनाइज जिनके ऊपर हुकूमत की गई, तो कॉलोनाइजर यहाँ पे अमेरिका। कॉलोनाइज कौन है, हैटी वाले। वो सोचता है कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं ना, सारे के सारे ब्रदर है एक दूसरे के, भाईचारा की बात करता है, इक्वालिटी की बात करता है। तो कहता है यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट्स की बाउंड्री नहीं क्रिएट करनी चाहिए, स्लेव और जो है ना मालिक की बाउंड्री नहीं क्रिएट करनी चाहिए, कहता है ऑल आर इक्वल। तो एट द एंड द नरेटर्स ड्रीम टेक्स अस टू
राच मियामी एंड जज थॉमस एंड यूएस सुप्रीम कोर्ट, ये डिफरेंट प्लेसेज हैं जहाँ पे लेके जाता है नरेटर का ख्वाब हमें, और ये बताता है एक बड़ा कंट्रास्ट किसके दरमियान में, पीपल हेटी ठीक है, और एंड द पीपल इन द मियामी। ये जो मियामी है ना, ये बेसिकली क्या है, ये कल्चरल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सेंटर है फ्लोरिडा का इन यूनाइटेड स्टेट। तो ये बहुत बड़ी स्टेट है। तो वो हेटी एक छोटी सी स्टेट है और जो मियामी है बहुत बड़ी जगह है। तो ये दोनों का कंट्रास्ट करता है और बताता है नरेटर के दोनों उसको देखने के बाद कि देयर इज़ नो जस्टिस इन द वर्ल्ड। ठीक है, थीम्स की बात कर लेते हैं। इम्पीरियलिज्म का थीम आ गया, एक्सप्लोटेशन का थीम आ गया, अमेरिकन ड्रीम का थीम आ गया, नो जस्टिस का थीम आ गया, और साथ ही साथ होप का भी थीम आ गया। लेकिन एक्सप्लोटेशन तो यहाँ पर दिखाई गई है जगह जगह पर, और साथ ही साथ ब्लैक्स वर्सेस वाइट का भी थीम हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी हुई समरी ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।